हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, ओके, उनसे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम बनाए आपको फौरन तौर पर मिल सके और आप उन्हें देख सके। कल एक यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड, ईरम स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर बातें की गई थी और आपको पूरी की पूरी चीजें बता रही थी। और आज ऊपर सर्किट देखने को मिला और यहाँ पर अब एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर बने रहिए। इसके अलावा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारी इस मेहनत को एक साकार करना है कि हम इतनी मेहनत से वीडियोज बनाते हैं, एज वेल एज हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाना है। ये पर्टिकुलर नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर फायदा होता हुआ मिलेगा। एज वेल एज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले दो स्टॉक्स से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर अगर आपके स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, इफ योर स्टॉक्स इज नॉट परफॉर्मिंग, ओके, और अनदर स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग, इट मींस नॉट कि आपके पास जो स्टॉक्स है, द स्टॉक्स यू हैव इज नॉट अ गुड स्टॉक्स। तो याद रखिए, वो अच्छे स्टॉक्स है बट आपने उन्हें अच्छे लेवल पर नहीं चुना, आपने उन्हें ठीक समय पर नहीं लिया, आपने तब नहीं लिया जब आपको लेना चाहिए था, आप टॉप पर लेके बैठ गए और उसी तरीके से आपको लॉस होता हुआ दिखाई दिया। तो इस चीज को आपको समझना होगा और उस चीज को समझेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। आज मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर FL इंडिया, ओके, आज मैं यहाँ पर एग्जिट कर लिया है इस स्टॉक से और इसमें अभी और ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है मुझे, ओके, थोड़ा बहुत और भाग सकता है बट भागने के बाद आएगा नीचे ही, उस टाइम हम यहाँ पर बाइंग करने की सोचेंगे। बट यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर एग्जिट कर लिया है, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो रहा है, 900। पहले हमने नीचे के लेवल से लिया था तब प्रॉफिट बुक किया था, चीजें गिरी थी, ओके, स्प्लिट के बाद दोबारा हमने बाइंग किया था और उसके बाद 979 पे मैंने आई थिंक ये स्टॉक्स लिया था और उसके बाद यहाँ पर लगभग, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली और हमें जितने कितने परसेंट के रिटर्न, अच्छे खासे रिटर्न हमें टाइम कम टाइम में हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आए। तो इस चीज को भी इसी तरीके से आपको स्विंग ट्रेड मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, लगभग 40% के, मोर देन 40% के रिटर्न हमें कितने टाइम में, थोड़े से टाइम में यहाँ पर देखिए मिलने को आए। यहाँ पर अगर देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर 40% के रिटर्न, और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर 1700 के आसपास आ रहा है, तो घूम घाम के जाएगा, ओके, तुरंत नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अच्छी खासी रैली हो सकती है। बट हम इन दो स्टॉक से रिलेटेड बातें नहीं, हम दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो अच्छे खासे आज भागते हुए नजर आए हैं, ओके। सबसे पहला स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सोया हुआ शेर यहाँ पर जागता हुआ नजर आया है। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं आप बात करने वाला हूँ, यहाँ पर दोनों शेयर लगभग 10% यहाँ पर भागते हुए नजर आए हैं। पहला है हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स से रिलेटेड देखिए, कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और आपको बताया था बहुत हो गया है कंसोलिडेशन, ओके, और ये शेयर आपको कभी भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर अब ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं, ओके, और एक कुछ लेवल तक अगर ये यहाँ से निकलता है तो याद रखिए ये शेयर अच्छा खासा भागेगा। लगभग 6 रुपए कम था, अदरवाइज अपर सर्किट शुरुआत में लग ही गया था इसमें और अच्छा खासी यहाँ पर जंप होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर जान लेते हैं। हिंदुस्तान फूड्स की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफी बार वीडियोज बनाई है, आपको बताया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना, जो अलग अलग कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करता है, वो एक पर ये वो कंपनी है जो अलग 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 प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग कंपनीज के लिए प्रोडक्ट तैयार करती है। तो कौन सी कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये शेयर हमने यहाँ पर 900 पे आपको बताया था, उसके बाद 2500 रुपए की रैली हुई थी, याद रखिए 900 पे बताया था, ओके, इसके आसपास यहाँ पर शेयर हमने बताया था, उसके बाद एक 2500 की रैली हुई थी और तब से अगर हम यहाँ देखें तो लगभग 1 साल होने को आ रहा है और 1 साल तक लगभग ये एक कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, इसी तरीके से खेल रहा था, ओके, और यहाँ पर बार बार आपको दिलाया है बताया है कि इस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, ये शेयर काफी बेहतरीन है और 2022 मुझे लगता है कि इस शेयर के लिए बना हुआ है और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा, अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करेगा, वहां तक जाएगा भी और उससे ज्यादा भी रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान फूड्स की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट तैयार करता है, ओके, FMCG प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, इनके कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इनके बिजनेस मॉडल को समझिए, इनके अगर जानेंगे, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा HUL, आपको पता चलेगा डाबर, आपको पता चलेगा बाटा, हश पपीज, एज वेल एज बहुत सारी फार्मा की कंपनी, ओके, यहाँ पर
सारी कंपनीज के लिए ये क्या बनाता है, ये एक प्रोडक्ट्स बनाता है वो दिखाई देता है। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दिखा देता हूँ। एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मार्केट कैप 4461 करोड़ रुपीज का आसपास का मार्केट कैप है। 17% के आसपास का आरओसी आरओई है। और डेट की बात करें तो 100% यहाँ पर डेट नजर आता है कंपनी के ऊपर। ओके, और 2580 से यहाँ पर करेक्ट होकर 2100 के आसपास ये पर्टिकुलर शेयर चल रहा है। और यहाँ पर शेयर की चार्ट पैटर्न की बात करें, ये एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक्स है जितने आपको 8 से 9 साल के अंदर अंदर करोड़पति बनाया है। ओके, मैं करोड़पति करोड़ की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने 1-1 लाख रुपए लगाए होते तो यहाँ पर एक मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आते, इस चीज को याद रखिए। इसके अलावा यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर हाईएस्ट एवर नंबर्स आते हैं, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट। क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे ही देखेंगे तो जहाँ 2010 में 3 करोड़ के सेल्स थी, वहाँ पर हाईएस्ट एवर 1800 करोड़ की सेल्स। नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कंपनी के यहाँ पर क्लाइंट बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। ओके, जैसे कि मैंने कुछ नाम लिया है, और इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए ये बॉम्बे शेविंग नई कंपनी लैक्मे, यहाँ पर देखिए और कुछ कंपनी भी ऐड होती हुई नजर आती है, विंग्रीन, आरबीएल, जॉन्स, अरविंद, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अमेजोन, अरविंद, जायडस। तो यहाँ पर रिवर्स, यहाँ पर देखिए आईटीसी, बाटा, ये जितनी भी कंपनी है टाटा से रिलेटेड, और जितनी ये सारी कंपनी इनकी इनके क्लाइंट है। ओके, इनके पार्टनर है, इन्हीं से प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए, ये कंपनी काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर एक प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, कम नहीं करी है। ओके, एज इट इज बने हुए एफ आई एज इट इज बने हुए, डी आई एस एज इट इज बने हुए, और आपको भी एज इट इज बने रहना है अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर नॉर्मल रिटेल पब्लिक के पास है, अदरवाइज सारी हिस्सेदारी बड़े लोगों के पास है। ऑलरेडी मैं इससे टारगेट से रिलेटेड यहाँ पर बात कर चुका हूँ। ओके, सबसे पहला टारगेट तो इसका ऑल टाइम हाई था कि इसे जाना है 2500 के लेवल जो इसने बनाया था। अगर हम यहाँ पर देखें लगभग 2578 का लेवल इसने बनाया था, और उसके बाद ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा और आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो पहला टारगेट ये, और उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखना है तो शॉर्ट टर्म टारगेट भी आपको अच्छे खासे नजर आएंगे। लगभग 2700-2800 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है एक लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। ओके, अच्छी जंप के बाद। और पी की बात कर लेते हैं तो शेयर का पी कितना है, तो 96 के पी पे, और कभी तो ये बहुत ज्यादा पी पे चलता था। ओके, काफी टाइम से कंसोलिडेशन नीचे गिरने के बाद अब शेयर एक अच्छे रूप में आ गया, और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी जंप यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइए। ओके, ब्रेकआउट की भी बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 2100 रुपए, यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, 2124 रुपए, 2125 रुपए के यहाँ पर निकालता है तो एक अच्छी रैली होगी जो इसे सबसे पहले इस लेवल पर ले जाएगी। ओके, जो कि 2259 रुपए का है, और 2259 को निकालती है तो याद रखिए एक एक पड़ाव को क्रॉस करेगी धीरे धीरे, जो कि इसे सबसे फिर यहाँ पर ले जाएगी 2490 के आसपास। 2490 को निकालती साथ यहाँ पर ये इस लेवल को ले जाएगी 2578, और 2578 को क्रॉस किया तो याद रखिए एक बहुत बेहतरीन बड़ी रैली यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, जो इस शेयर को 3000 रुपए तक लेके जा सकती है। तो इस शेयर की तरफ नजरें बनाइए। ओके, और बेहतरीन शेयर है, अपर सर्किट में ही जाता है। ओके, और ज्यादा वॉल्यूम अभी दिखाई नहीं दे रहे, बट धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम आएंगे, और जब वॉल्यूम आएंगे तो ये शेयर दोबारा यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा, तो नजर बनाइए। इसके अलावा हम बात करने वाले एक और शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वेंकीज। वेंकीज आपको पता ही है, एग्स बनाने वाली, प्रोटीन बनाने वाली, ओके, एक कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पर 10% के लगभग देखिए यहाँ पर अच्छा खासा शेयर भागा था। ओके, यहाँ पर देखेंगे 1500 से लगभग 3600-3700 तक 3800-4000 रुपए तक ये शेयर भागता हुआ नजर आया। उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, एक कंसोलिडेशन, और अब यहाँ पर मुझे नजर आता है कि ये शेयर एक अच्छे खासे रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। वेंकीज की बात करें तो वेंकीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखेंगे, वेंकीज ने आई थिंक केएफसी की तरह यहाँ पर इनके कुछ रेस्टोरेंट भी यहाँ पर गुड़गांव और एनसीआर में नजर आते हैं। तो यहाँ पर इनकी इनके प्रोडक्ट्स की तरफ एज वेल एज इनके कंपनी से रिलेटेड और भी जानना है, इनकी वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। तो आपको जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लगभग 3955 रुपए 22 जून को गया था, उसके बाद से लगातार गिरावट है, और अब दोबारा बेहतरीन शेयर रखेंगे तो देखिए गिरावट होती है, हर एक शेयर में होती है, बट जब भागना शुरू करता है तो 10-10% भागते हैं और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आते हैं। जनवरी में कभी भी इसके रिजल्ट आ सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो एक बेहतरीन यहाँ पर कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। यहाँ पर वेंकीज की बात करें तो वेंकीज के इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी, देखिए एग बनाने वाली चिकन, फ्रोजन चिकन वगैरह यहाँ पर देती हुई नजर आती है, कंपनी बनाती है। इसके अलावा यहाँ पर हेल्दी प्रोडक्ट्स लाइक
यहाँ पर पोल्ट्री फीड्स एंड इक्विपमेंट्स ये बनाती हुई नजर आती है, सोया बीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी मोर। ओके, तो कंपनी काफी बेहतरीन है। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ केयर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, प्रोटीन वगैरह बनाती है, एग प्रोटीन, एग पाउडर, ओके, FMCG के प्रोडक्ट्स, VH ब्रीड, वैक्सीनेशन इक्विपमेंट, फीड, एज यहाँ पर एग बनाने वाली काफी बेहतरीन बड़ी कंपनी है, तो इनके बारे में जानिए। ओके, और उनकी वेबसाइट पर जाइए, कुछ रेस्टोरेंट भी इनके वेंकीज के नाम से है, तो जाके देखिए। स्मॉल कैप कंपनी, अगेन स्मॉल कैप भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है, और बट राइट टाइम पर शेयर को लेना वो बहुत जरूरी है। भागते हुए चढ़ते हुए अगर किसी ने यहाँ पर शेयर लिया होगा, वो अभी तक फंसा होगा, उसके पैसे 6 महीने 7 महीने से फंसे हुए हैं। बट कोई यहाँ पर जब मार्केट गिरी है, ओके, किसी ने यहाँ भी लिया होगा तो भी यहाँ पर निकल सकता था, या फिर अभी जब भागेगा तब यहाँ पर निकल सकता है, अभी भी निकल सकता है। ओके, और निकलना नहीं पर मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है, तो उस चीज को समझना होगा। ROC ROE काफी बेहतरीन है, 31 और 27 रेस्पेक्टिवली, एज वेल एज डेट की बात करें 17% की डेट है, ज्यादा डेट भी और 14 के पी पे शेयर यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की बात करें, कंपनी एक अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी, बट यहाँ पैंडमिक में यहाँ पर इनकी सेल्स गिरती हुई नजर आई। अगेन हाईएस्ट एवर सेल्स पे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पे कंपनी आके बैठ गई है, और ईयरली बेसिस पे बात करें तो ईयरली बेसिस पे एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ आती नजर आती है। यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बात करें, जहाँ 54 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ पर देखिए 270 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोराइंग यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, बट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश कंपनी के पास अच्छा खासा है, ROC ROE अच्छा खासा है, एज वेल एज यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर प्रमोटर्स जब अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचते तो याद रखिए प्रमोटर्स ही अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के बारे में पता है। FIs कुछ खास नहीं है, DIs भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बट वो आते हैं, आके चले जाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, ओके, वो ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने अच्छे पैसे कमाए, तो वहाँ पर 4,000 पे प्रॉफिट भी बुक किया, उसके बाद चीजें नीचे भी आई, अगेन यहाँ पर चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दो स्टॉक्स वेंकीज और इसीए, इनकी तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए वेंकीज में भी एक ब्रेकआउट नजर आता है, ओके, यहाँ से यहाँ पर निकला है, ओके, अगर ये मैं एक लेवल बता देता हूँ आपको, 2865, ओके, 2858 चल रहा है, 65 मतलब 7-8 रुपए सीधे और भागता है, तो एक एक करके धीरे धीरे करके ये भागेगा, और अच्छा ब्रेकआउट इसमें यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, कहाँ पर 3250 के आसपास, 3250 अगर ये निकालता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा, जो कि इसे यहाँ पर सबसे पहले इसके 3955 जो इसका हाईएस्ट है 52 भी खाई था वहां ले जाएगा, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है, राउंडिंग बॉटम टाइप में ये चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी खासी रैली हो गई थी, तो रैली का प्रॉफिट भी बुक होना जरूरी है, वो यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर देखिए चीजें अच्छी खासी दोबारा होती हुई नजर आ रही है, और लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से भी देखें तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा कप विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह लीजिए, एक बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके टारगेट लगभग 4500 से तक लेते हुए जा सकते हैं। तो अभी ज्यादा टारगेट की बात नहीं करेंगे, अभी हम एक करके धीरे धीरे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर टारगेट यहाँ पर 3900 का ही नजर आता है, जो धीरे धीरे बनेगा, टाइम लेगा, और रिजल्ट अच्छे आ गए तो याद रखिए बहुत जल्दी बनेगा। तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, यहाँ पर गिरने के चांसेस कम है, भागने के चांसेस ज्यादा, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड दोनों में शेयर में काफी बेहतरीन नजर आता है, हिंदुस्तान फूड्स एज वेल एज बैंकिंग में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, जितना हो सके सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और लाइक करना, काफी मेहनत करते हैं वीडियोज बनाते हैं, तो लाइक करना जरूर, और इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।